लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोकण विभागीय मनसे नेताओं ने आज बेलापुर मुख्यमंत्री सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और मुंबई गोवा हाईवे की बदहाली के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे तत्काल सुधारने की मांग की। मनसे नेता योगेश चिले ने यहां कोकण भवन में मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए खुली चेतावनी दी कि यदि गणेशोत्सव से पहले मुंबई गोवा हाईवे पर जानलेवा बने गड्ढों को नहीं भरा गया तो इन्हीं बदहाल सड़कों पर अधिकारियों को खड़ा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने आज बेलापुर कोकण भवन में स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया और मुंबई गोवा हाईवे की बदहाली का सवाल उठाते हुए उसे तत्काल सुधारने की मांग की। मनसे नेताओं ने कहा कि बीते 13 सालों में 500 करोड़ से अधिक की धनराशि मुंबई गोवा हाईवे को सुधारने के नाम पर खर्च हो चुकी है, लेकिन हर साल गणेशोत्सव में हाईवे जानलेवा बन जाता है। उन्होंने कहा कि अब तक यहाँ के गड्ढों में 2500 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले कोकण क्षेत्र के विधायक, मंत्री और अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनसे नेताओं ने मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निवेदन देते हुए चेतावनी दी कि यदि गणेशोत्सव से पहले मुंबई गोवा हाईवे पर जानलेवा बने गड्ढे नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारियों को सड़कों के उन्हीं गड्ढों में खड़ा कराएंगे। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। गेले 13 वर्ष मुंबई गोवा महामार्गाचं काम सुरू आहे, तुम्ही सगळे बघताच आहेत, आणि इतके प्रचंड खड्डे या महामार्गावरती पडलेले आहेत। याच्या मागून सुरू झालेले सगळे महामार्ग, अगदी समृद्धी महामार्गसुद्धा पूर्ण झाला, परंतु मुंबई गोवा महामार्ग जो आहे, कोकण महामार्ग, ह्याला का राजकारण्यांकडून उदासीनता याच्याबाबत पाळली जाते मला कळत नाही आहे। जवळपास 2500 वरती लोकांचा इथे बळी गेलेला आहे, एवढी बळी एखाद्या युद्धातसुद्धा जात नाहीत। अशा वेळी ह्या प्रशासनाला खडबडून जागा करण्यासाठी आज आम्हाला इथे यावं लागलं। याच्या आधी आम्ही यांना निवेदन दिलं आमच्या पद्धतीप्रमाणे, आज पुन्हा एकदा यांच्याशी आम्ही चर्चा करू। या चर्चेनंतरसुद्धा जर या महामार्गाला वेग मिळाला नाही तर मग आमच्या मनसेच्या पद्धतीने त्यांना ते जे काही आंदोलन करू ते त्यांना झेलावं लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।